हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोटस आयुर्वेद इंडिया। फ्रेंड्स, आपको मैं बताने जा रहा हूँ थायराइड को जड़ से खत्म करने का रामबाण उपाय। फ्रेंड्स, इस जानकारी को बताने से पहले ये मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल लोटस आयुर्वेद इंडिया को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो फ्रेंड्स, तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से औषधियों की वो सारी जानकारियां लेकर आते हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर अपने जीवन में स्वस्थ रह सकते हैं। जी हां, थायराइड ग्रंथि का मुख्य काम शरीर के लिए थायरोक्सिन नामक हार्मोन का निर्माण करना है। थायरोक्सिन हार्मोन शरीर में ऊर्जा का निर्माण करता है, प्रोटीन का उत्पादन करता है और बाकी के हार्मोन को नियंत्रित भी रखता है। थायराइड ग्रंथि शरीर के मेटाबॉलिज्म नियंत्रित रख भोजन को ऊर्जा में भी बदलता है। थायराइड ग्रंथि में कुछ लोगों को समस्या उत्पन्न हो जाती है। किसी व्यक्ति को थायराइड होने पर शुरुआत में उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्हें थायराइड की समस्या हो गई है, क्योंकि थायराइड के शुरुआती कोई संकेत नहीं होते हैं। थायराइड की समस्या की शुरुआत गले में एक छोटी सी गांठ से होती है, किंतु व्यक्ति इसे गंठू इत्यादि समझकर इन पर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे उनकी यही लापरवाही थायराइड की समस्या को बुलावा देती है। इसके अलावा थायराइड ग्रंथि में समस्या पिट्यूटरी ग्रंथि के कारण भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि ये थायराइड ग्रंथि के हार्मोन को उत्पादन करने का संकेत नहीं दे पाती है। इसके अलावा अधिक दवाओं का सेवन, कैप्सूल, पाउडर और सोया प्रोटीन का सेवन भी थायराइड की समस्या को जन्म दे सकता है। भोजन में नमक का कम सेवन करने से शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है, जिससे थायराइड ग्रंथि में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। चिंता या तनाव थायराइड का सबसे मुख्य कारण होता है। तनाव के स्तर को बढ़ाने से थायराइड ग्रंथि पर गलत प्रभाव पड़ता है, जिससे ये हार्मोन का अधिक स्राव शुरू कर देती है। इससे थायराइड की समस्या उत्पन्न हो जाती है। स्त्रियों में थायराइड का बड़ा कारण ग्रेव्स रोग होता है। स्त्रियों को गर्भ अवस्था के दौरान ये समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि गर्भ अवस्था में स्त्रियों का तनाव में होना स्वाभाविक होता है। तो आइए जानते हैं इसके उपचार के बारे में। थायराइड समस्या से बचने के इस उपाय में हरे पत्तेदार धनिये की चटनी बनाएं और एक गिलास पानी में मिलाकर प्रतिदिन उसका सेवन करें। इससे आपकी थायराइड की समस्या जड़ से खत्म हो जाती है और इसके साथ साथ आप अपना अतिरिक्त वजन भी कम कर सकते हैं। थायराइड के पीड़ित व्यक्तियों को फाइबर, प्रोटीन और विटामिन की प्रचुर मात्रा का सेवन करना चाहिए। इसीलिए उन्हें अपने आहार में साबुत अनाज को जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि इनमें इन तीनों की मात्रा प्रचुर पाई जाती है। साबुत अनाज के साथ व्यक्ति जो पास्ता और ब्रेड का भी सेवन कर सकते हैं। थायराइड ग्रंथि को संतुलन में रखने के लिए आप मुलहट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मुलहट्टी में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो स्वर तंत्र और थायराइड ग्रंथि को संतुलित रखते हैं। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान कर व्यक्ति को सुस्त और आलसी होने से बचाता है, क्योंकि थायराइड एक ऐसा रोग है जिससे व्यक्ति को कैंसर तक होने की संभावना हो जाती है, किंतु मुलहट्टी का सेवन करने से आपको जल्द ही थायराइड के रोग से निजात मिल जाता है। थायराइड की समस्या से निजात पाने के लिए अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक का प्रयोग मुंह और गले से संबंधित लगभग हर रोग में किया जाता है। इसका कारण इसमें मिलने वाले इंफ्लेमेटरी तत्व होते हैं। इसके साथ ही अदरक में पोटेशियम, मैग्नीशियम की मात्रा भी अधिक होती है, जो गले के रोगों को दूर करने में सहायक होती है। थायराइड का सबसे सरल और घरेलू प्राकृतिक उपाय है गेहूं और ज्वार। ये आयुर्वेदिक रूप से थायराइड की समस्या को दूर करते हैं। इसमें पाए जाने वाले तत्व थायराइड ग्रंथि को बढ़ने से रोकते हैं, जिससे ये रोग पनप ही नहीं पाता है। गेहूं और ज्वार थायराइड के साथ साथ साइनस, खून की कमी और
रक्तचाप के बढ़ने की स्थिति में भी लाभदायक साबित होती है। थायराइड का रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है, क्योंकि आयोडीन की कमी की वजह से ही गले में और थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। इसीलिए थायराइड के रोगी को अपने आहार में नमक को शामिल करना चाहिए। थायराइड के रोगी को समुद्री सफेद नमक अपने आहार में उसका प्रयोग बंद कर देना चाहिए। थायराइड से पीड़ित व्यक्तियों को फलों और सब्जियों का सेवन भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि फल सब्जी में अनेक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपको इस बीमारी से निजात दिलाने में सहायक होते हैं। थायराइड के रोगी को आयोडीन की समस्या को दूर करने का सबसे अच्छा साधन है मछली, क्योंकि मछली समुद्र में पाई जाती है और इनमें आयोडीन की मात्रा संतुलित होती है और इनके साथ ही इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो थायराइड जैसी समस्या पर संतुलन बनाए रखने में काफी ज्यादा सहायक होता है। थायराइड के रोगियों को गर्म पानी की सेक अवश्य लगानी चाहिए। इस विधि को करने के लिए आप सबसे पहले 1 लीटर गर्म पानी कर लें और उसे रबड़ की थैली में डाल लें। इसके साथ ही एक बर्तन में थोड़ा ठंडा पानी भी लें और उसके अंदर तौलियों को डुबा लें। इसके बाद आप गर्म पानी की थैली से और फिर ठंडे तौलिये से अपनी गर्दन को सेकें। इस उपचार को आप दिन में 2 बार अपनाएं। कुछ दिनों के बाद आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। थायराइड में गले को ठंडक पहुंचाने के लिए सबसे जरूरी ताजी मिट्टी होती है। अगर इसकी पट्टी बनाकर गले पर बांध ली जाए तो यह आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। इस विधि में आप जमीन से लगभग 3 फीट नीचे से साफ मिट्टी निकाल लें और उसे कम से कम 6 से 7 घंटे तक पानी में भिगोकर रख दें। इसके बाद आप उसकी 3 इंच चौड़ी और 5 इंच लंबी लुगदी जैसी पट्टी तैयार करें और उसे अपने गले पर रखें। आप मिट्टी के ऊपर गर्म कपड़े को भी रख दें। इस उपाय को अपनाने का सबसे अच्छा समय दोपहर है और आप इस पट्टी को कम से कम 45 मिनट तक अपने गले पर रखें। इसके नियमित प्रयोग करने से आप अपनी थायराइड की समस्या से निजात प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स थायराइड को जड़ से खत्म करने का रामबाण उपाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से आपके हेल्थ से संबंधित वो सारी जानकारियां लेकर आता हूं जिसे आप यूज कर अपना इलाज खुद कर सकते हैं और इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों फ्रेंड्स आप अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं दोस्तों, और साथ साथ बीमारियों से संबंधित सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।